हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते जी। वेलकम बैक न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ गए थे, तो देखा कितना कोहरा पड़ रहा है। तो सुबह सुबह बहुत कोहरा पड़ने लगा, ठंड भी बहुत होने लगी। तो ये गाय के लिए छप्पर लगा दिया है यहाँ पर पार्क में ही, और इस साइड भी हाफ में लगाया है क्योंकि हाफ में हमने साग बो रखा है। तो यहाँ पे हमने चने वगैरह, मेथी, सरसों, पालक, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर बो दी थी, और ग्रो भी हो गई है और छत पे भी बो रखी है। तो छत पे अभी छोटी छोटी हुई है, जो ज़मीन की बात है वो मतलब वैसे नहीं हो रही थी, तो हमने फिर ज़मीन में बोई है। और यहाँ पर तुलसी मैया की हमने पूजा की थी कल, और ये गर्म पानी कर दिया अपने पीने के लिए। फिर विनायक भी उठ गए थे, तो विनायक को दूध दे दिया, और फिर विनायक स्कूल के लिए रेडी हो गए थे। आज गर्म ड्रेस पहनाई है, वैसे ड्रेस ये है नहीं इसकी, घर की ड्रेस है, दूसरी ड्रेस है इसलिए। तो अब विनायक यहाँ स्कूल चले जाएंगे, तो अभी 2-3 दिन में इसकी ड्रेस लाएंगे गर्म। और सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही है, वैसे 9 बजे जाता है फिर भी ठंड हो रही थी। और पराठे बनाए थे, चाय और पराठे, ये सुबह का मॉर्निंग का नाश्ता है। और सुबह फिर सारा काम कर दिया था, बर्तन वगैरह, किचन वगैरह साफ़ कर दी थी, और सुबह झाड़ू लगा दी थी, फिर भी दोबारा झाड़ू लगाई क्योंकि गाड़ी निकाली थी भैया ने, तो मिट्टी हो जाती है बहुत, तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेंगे। और सूर्य देव भी आ गए हैं, तो फिर दोपहर का खाने की तैयारी की। तो जो राज साग बनाया था उसे, साग को फ्राई कर लेंगे अच्छे से लहसुन में, तो यहाँ पर अच्छे से लहसुन में फ्राई कर लिया, और साथ में लस्सी को बुला लेंगे। तो ऐसे ही साथ साथ हम सारा काम करते रहते हैं। और ये आज गुरुवार का पूरा डे का रूटीन है, तो यहाँ पर लस्सी भी बन के रेडी हो गई है हमारी, और साग भी रेडी हो, विनायक के भी आने का टाइम हो जाएगा, तो विनायक भी आ जाएंगे। और यहाँ पर हम लस्सी को तैयार कर लेते हैं, और लस्सी के बिना तो विनायक तो बिल्कुल भी नहीं खाते, और कोई भी नहीं खाता, लस्सी के बिना अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ पर हमारा साग रेडी हो गया, अब हम रोटी सेक लेंगे, और साथ में फिर मम्मी को दे देंगे गरम गरम, फिर मम्मी विनायक को ले आएंगी। तो यहाँ पर हम रोटी सेक लेंगे और फिर मम्मी को दे देंगे। तो ऐसे ही सर्दियों में तो गरम गरम अच्छी लगती है रोटी, तो वही हमने यहाँ पर मम्मी को दे दी, तो मम्मी खा लेंगी और फिर विनायक को लेके आएंगी। और विनायक भी स्कूल से आ गए थे, तो फेस पेस के हल्का सा नखून लग गया था, तो देख रहे थे कि कहाँ लगा है, और कह रहे थे देखो मम्मा हमारे खून निकल गए हैं, तो देख रहे हैं शीशे में फिर भी देख नहीं पा रहे। तो फिर अब सर्दी आ गई है, तो गर्म कपड़े निकालने ज़रूरी है, तो गर्म कपड़े निकाल लेंगे सारे। तो आज हम अपने और विनायक के पापा जी के निकालेंगे, विनायक के तो हमने पहले ही निकाल के रख दिए थे क्योंकि हल्की हल्की सुबह शाम की ठंड होने लगी थी, तो इसके हमने पहले ही निकाल दिए थे। तो यहाँ पर हमने निकाल के रख दिए, वैसे धूप में सुखाएंगे अभी, और अलमारी भी सेट कर दी क्योंकि जो गर्मियों के कपड़े थे वो भी हटा दिए थे ज़्यादा। और फिर विनायक को दूध देंगे, और ये शाम के बर्तन ऐसे ही पड़े अभी, तो विनायक खेल रहे, खेल के थक गए थे, और दूध दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दूध पी लेंगे विनायक, और साफ़ सफाई कर दी थी हमने साथ साथ रूम की भी। तो ऐसे सर्दियों में ऐसे होता है, सर्दियों के निकालो, गर्मियों के रखो, और फिर सर्दी चली जाएंगी तो फिर सर्दी के रखेंगे, गर्मी के निकालेंगे। तो फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करके आ गए थे, तो लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगने लगी, तो लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े निकाल दिए थे। और यहाँ पर हमने शाम की पूजा कर दी, सबसे मेन यही होता है सुबह शाम की पूजा करनी। और अब बनाएंगे हम शाम को हरी चटनी धनिया की और कड़ी पत्ते की। तो यहाँ पर हमने सब वॉश करके काट लिए है, और कट करके फिर मिक्सी में पीस लेंगे, और साथ साथ हम किचन भी साफ़ करते रहेंगे।
और इसमें जो भी हमें ऐड करना है आपको बता रहे हैं, धनिया, मिर्च, अदरक और कड़ी पत्ता और टमाटर, लहसुन प्याज आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, लेकिन हमने नहीं डाला। और यहाँ पर मसाले यूज़ करेंगे हम, पिसा हुआ धनिया और हींग और जीरा भी ऐड करेंगे और नमक ऐड करके और पीस देंगे। बहुत टेस्टी चटनी बन के रेडी हो जाएगी। तो शाम को हम नमक की रोटी और चटनी के साथ खाएंगे, मक्खन के साथ, तो बहुत टेस्टी रोटी लगती है। तो यहाँ पर हम साथ साथ मशीन वगैरह भी साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि साथ साथ करते रहेंगे तो एक साथ ज़्यादा काम नहीं फैलता। तो यही हमारा डेली का रूटीन रहता है, साफ़ सफाई साथ साथ करते रहते हैं, तो साफ़ भी रहती है किचन और फैलती भी नहीं है। और इधर हमने दूध भी आ गए थे निकल के, तो दूध भी रख दिए हैं और खाना भी रेडी कर दिया। ये हमारा शाम का खाना रेडी हो गया है। तो विनायक को हम खिला रहे हैं गुड़ के साथ और मक्खन के साथ। विनायक ने बहुत टेस्टी से खाया और फिर शाम को बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन साफ़ की। और सुबह के लिए हम कुछ भी काम नहीं छोड़ते, किचन को बिल्कुल क्लीन करके छोड़ते हैं। और लास्ट में सबसे पहले हम यहाँ पर लोटा भर के रख देते हैं किचन में, सबसे मेन लास्ट में यही काम होता है हमारा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।